चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो 99 साल से एहतजाज कर रहे हैं और अगले साल इन्हदाम जन्नतुल बकी को 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं। वहीं मलाश मालूमी में अलहाज डॉक्टर फखरुल हसन रिजवी की सदारत में 25 सालों से मदरसे बाकरिया मस्जिद बाकरिया से लेकर बड़े पैमाने पर यहाँ पर एहतजाजी जुलूस मुनक़िद होता था। इस बार पुलिस की परमिशन न मिलने की वजह से मस्जिद बाकरिया ब्लॉक नंबर 8 में उसके अलावा रोड पर लोगों ने आले सऊद के खिलाफ एहतजाज किया और जन्नतुल बकी की तामीर का मुतालबा किया। आइए हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद असलम रिज़वी साहब तबला रईस शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र, साथ ही साथ अलहाज डॉक्टर फखरुल हसन रिज़वी साहब सदर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड, उसके अलावा मुंबई की मुख्तलिफ तंजीमों से आप जुड़े हैं। यहाँ के इमाम जुमो जमात हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना अशरफ इमाम साहब तबला, हमारे बुजुर्ग हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सिद्दैन साहब तबला, मौलाना असगर साहब तबला के अलावा मुस्तमे साहब, मौलाना असद रजा साहब के अलावा काफ़ी तादाद में यहाँ पर मोमिन मौजूद हैं जिन्हें आप इंशाल्लाह वीडियो में देखेंगे। क्या वजह है मौलाना असद रजी साहब तबला की मलाक मालूमी में इतने ज़माने से तकरीबन ये 26वां साल था जनतु बकरीद की तामीर के लिए हम एहतजाज कर रहे हैं और हमारी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं? अरबी ज़बान में एक ज़रबुल मसल है कि नहनो मुकल्लफूना बिलअमल ला बिलनतीजा। आपका सवाल यह है कि हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। असल में ये मसला है ही नहीं कि हमारी बात सुनी जा रही है कि नहीं। एक हमारा वसीफा है, हमारी ड्यूटी है, हम खानवादे इस्मत-ए-तहारत से मोहब्बत करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब उनसे अकीदत व इरादत है और मवद्दत है तो हर वो चीज़ जो उनसे मंसूब है या जो उनकी है हमें उससे भी मोहब्बत करना चाहिए। ये जन्नतुल बकी में जो मासूमीन के खूबसूरत रोज़े हैं या रोज़े थे जिसे 99 ईयर्स 99 साल पहले मुनदिम कर दिया आले सऊद ने, उनके नापाक अज़ाएँ भी यही थे कि अगर इन रोज़ों को मुनदिम कर दिया जाएगा तो इससे कौम तशय्यो की जो आवाज़ है वो कमज़ोर पड़ जाएगी, उनका ईमान कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है, मैं आपके इस चैनल से उनका ये जुमला आपको खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। इमाम खुमैनी ने कहा कि ए आले सऊद, तुम उन रोज़ों को तो मुनहदिम कर सकते हो जो सत है ज़मीन पर तैयार किया गया है, लेकिन उन रोज़ों को कैसे मुनहदिम करोगे जो हम शियों के दिल में पाए जा रहे हैं। लिहाजा ये बहुत ही खूबसूरत बात इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान की है। आपके सवाल का जवाब मेरे पास सिर्फ एक जुमले में यही है, रोज़ा बने या न बने, लेकिन जब तक हमारे पास ताकत और कुव्वत है, जब तक हमारे पास इम्कान है, हम इसी तरीके से जो है
रोजे की हिमायत में इस तहरीक को जो है जारी रखेंगे। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि डॉक्टर मुकद साहब जो तकरीबन 25 साल इनको कंटिन्यू हो गया ये एहतजाज करते हुए, इनसे पूछिए तो ये भी यही कहेंगे कि हमारा एक वजीफा है, हमारी एक ड्यूटी है, हम इस वजीफे को अदा करना है हमें। वो बनाते हैं नहीं बनाते हैं वो उनका अमल उनके साथ है, लेकिन अगर हम इसमें खामोश रहे और कल मदफूनी ने बकी वो मासूमीन जो बकी में मौजूद हैं रोज़ महशर हमारे सामने आ गए और उन्होंने सवाल कर लिया, ये बताओ हमारे रोज़े के तहरीक में तुमने क्या काम किया था, जिस दिन मालूमी में जुलूस निकल रहा था तुम अपने घर में बैठे हुए थे, तुम काम का बहाना करके ऑफिस का बहाना करके तुम इस जुलूस में शरीक नहीं हुए जो हमारी मोहब्बत में बरगुजार किया जा रहा था, तो हमारे पास क्या जवाब होगा। हमारे सर में दर्द हो जाता है, हमारे यहाँ कोई मरीज हो जाता है और कभी दिल चाहता है तो बिला वजह जो है हम ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं, कभी अपनी नानी को मारते हैं, कभी अपनी दादी को मारते हैं, कभी अपने चचा को मार देते हैं, क्या बकी के लिए तुम्हारे पास छुट्टी लेने का मौका नहीं था? एक छुट्टी तुम ले सकते थे, कैजुअल व एनुअल हॉलीडेज तुम्हारे पास रहती है, तुम चाहो तो उसी में से एक छुट्टी जो है, ये तुम्हारा घर में बैठना इस बात की दलील है कि तुम्हारे पास सिर्फ लिप सर्विस है, अमली एतबार से तुम शिया नहीं हो। नाज़िम लेते हुज्जतुल इस्लाम अल-जुमा मौलाना सैयद मोहम्मद असदुद्दीन साहब कुल्ला रईस शिया और महबूब, आपने उन्हें समाज फरमाना, हमारे बरादर हुज्जतुल इस्लाम अल-जुमा मौलाना शान हैदर साहब कुल्ला, आइए अलहाज डॉक्टर फखर असदुद्दीन साहब कुल्ला यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर साहब 25 सालों से जन्नतुल बकी की तामीर के लिए आप ये एहतजाजी जुलूस बलाग मालूनी में मुनक़िद करते हैं, काफ़ी तादाद में उलमा इकराम और मोमिन शिरकत फरमाते हैं, हमेशा क्या मुतालबा आपका हुकूमत हित और आले सऊद से रहा है? चाहते हैं कि जन्नतुल बकी में एक मरतबा फिर शानदार रौज़ात मुक़द्दसात की तामीर हो, आइए यहाँ के इमामी जुमो जमात हुज्जतुल इस्लाम अल-जुमा मौलाना अशरफ इमाम साहब कुल्ला मौजूद है। हुकूमत हिंदुस्तान से मौलाना क्या मांग है जन्नतुल बकी के हवाले से? हिंद से मुतालबा है कि सऊदी हुकूमत के सामने इस बात को रखा जाए कि तामीर किया जाए और उनके नमाज़े के मकबरे को भी तामीर किया जाए। बाप के शानदार रोज़े के सामने आज भी बेटी की कब्र ज़ेरे आसमान है, यही वजह है कि आज मलाक मालूमी में कसीर तादाद में लोग जमा हुए और आले सऊद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सऊदी हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द हमें इजाज़त दो ताकि हम जन्नतुल बकी की तामीर कर सकें। इसी तरह नाज़रीन देखते रहे बकी तामीर करो जन्नतुल बकी तामीर करो, आले सऊद पर कम्युनिटी होती है, हमारा आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, हमारे शिया में कोई आपको चोर मिल सकता है, कोई पॉकेट मार मिल सकता है,
लेकिन कोई गद्दार गद्दार आपको कंट्री का नहीं मिलेगा। कितने बम ब्लास्ट होते हैं, ये आगे चलते हैं।